हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ महेश शाह फ्रॉम सूरत. आई एम अ पीजीटी टीचर. दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 5, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, पार्ट 2. इन फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी एंड केमिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. लास्ट वीडियो में हमने जो भी बात की थी वो हमारे साइंस और केमिस्ट्री के बारे में हमने बात की थी, मेडिकल साइंस के बारे में बात की थी कि हमारी कंट्री कितनी एडवांस थी मेडिकल साइंस में और टेक्नोलॉजी में और केमिस्ट्री में. उसके सब एग्जांपल्स भी मैंने वीडियो में दिए थे. अब आज के वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बारे में बात करनी है. So before I start my video, let me tell you that if you like the video, please subscribe the channel, press the bell icon that you get new notification of every video, and like the channel as much as possible. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो मैथमेटिक्स में इंडिया ने आज की डेट में आप जितना भी मैथ्स पढ़ते हो उसकी मैक्सिमम डिस्कवरी हमारी कंट्री में हुई थी और उसमें मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का नाम टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन में आता है. और ज़ीरो ये हमारी कंट्री में इन्वेंट हुआ था. अब आप खाली इमेजिन करें कि अगर आप जो भी अमाउंट लिख रहे हैं उसमें अगर ज़ीरो ना हो तो आप वो अमाउंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे और कितना डिफ़िकल्ट होगा. तो ज़ीरो नहीं बट ज्योमेट्री और उसके साथ में डेसिमल और ट्रायंगल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये जितने भी मेथड्स हैं मैथ्स के वो हमारे कंट्री में डिस्कवर हुए थे. तो मैनी एपोक मेकिंग मैथमेटिकल डिस्कवरीज वेर कंसिडर्ड टू बी मेड इन इंडिया थ्रू विच कंटेम्प्ररी ग्लोबल अफेयर्स आर कैरिड आउट. तो हमारा जो मैथमेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट था कि उसकी वजह से आज की डेट में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं पूरी दुनिया के वो हो रहे हैं. द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थियोरम ऑफ बुद्धायन, ज्योमेट्री एंड एरिथमेटिक. तो ये सब आपके मैथ्स में आप पढ़ते हो अभी. ज्योमेट्री भी आप पढ़ते हो, थियोरम भी आपको आते हैं, ज्योमेट्री अलजेब्रा भी आप पढ़ते हो, एरिथमेटिक भी आप पढ़ते हो, डेसिमल भी हमने सीखा है. तो ये सब हमारी कंट्री में इन्वेंट हुआ था. अब जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर मैथ्स और साइंस हमारी कंट्री में इतना डेवलप था तो हम मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट से डरते क्यों हैं. ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में जो फेल होते हैं वो मैथ्स और साइंस में फेल होते हैं. मैथ्स का फियर सबको रहता है पर ये फियर रखने की ज़रूरत क्या है कि जबकि ये मैथ्स हमारी कंट्री में ही बना था. आर्यभट्ट डिस्कवर्ड ज़ीरो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ज़ीरो आफ्टर फिगर्स वॉज डिस्कवर्ड बाई द सेग नेम ग्रुत सम्मत. तो ग्रुत सम्मत जो थे उन्होंने ज़ीरो के पीछे फिगर लिखने की जो प्रोसेस थी वो हमारी कंट्री में उन्होंने चालू की थी. ये आर्यभट्ट का पिक्चर है. और द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड अप बाय प्लेसिंग 53 जीरोस आफ्टर वन. तो एक के पीछे 53 जीरो जो लगेंगे और वो अमाउंट को क्या बोलेंगे वो भी हमारी कंट्री में हमने ढूंढ लिया था. अदरवाइज आज की डेट में आप मैक्सिमम 10 या 11 जीरो तक जा सकते हो. फिर बिलियन, ट्रिलियन ये सब फिगर चालू हो जाते हैं. जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो ऐसे चालू होते हैं पर हमारी कंट्री में 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इससे आगे 53 जीरो जब लगेंगे तब तक वो डिजिट को क्या बोलेंगे उसके बारे में उसके प्रोनाउंसिएशन भी हमने ढूंढ लिए थे. डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच हैड बीन फाउंड फ्राम द रिमेन्स ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो. तो जो डेसिमल सिस्टम है जिससे हम कोई भी वेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर मेज़र करना चाहे तो वो भी हमने
हमारी कंट्री में ढूंढी थी, और उसके जो रिमेंस है वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एग्जर्वेशन के टाइम पे हमें मिले थे, जिससे ये प्रूव होता है। अब जैसे एस्ट्रोनॉमी जो पूरी है, वहाँ पे अगर आपको कोई भी मेज़रमेंट लेना है, आपको कोई भी स्पेस शटल या कुछ भी स्पेस में भेजना है, तो वहाँ डेसिमल कैलकुलेशन होता है, माइक्रो डेसिमल तक कैलकुलेशन होता है। परफेक्ट जब तक मेज़रमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप ये एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। और ये डेसिमल का स्टार्टिंग हमारी कंट्री में हुआ था। भास्कराचार्य हैज़ रिटन बुक्स लीलावती गणित एंड बीज गणित इन 1150 AD। तो ये मैथ्स के दो मेथड्स हैं, बीज गणित और लीलावती गणित, जो भास्कराचार्य ने इसके बारे में 1115 में बुक लिखी थी। ही डिस्कवर्ड साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो भास्कराचार्य ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइंस ढूंढी थी। ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो ये हैं ब्रह्मगुप्त, इन्होंने इक्वेशंस के साइन ढूंढे थे। बोधायन डिस्कवर थियोरम ट्रायंगल पॉलिसी। ये बोधायन है, उन्होंने ट्रायंगल थियोरम ढूंढा था। आपस्तंभ हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स, यानी यज्ञ वेदिस यूज्ड फॉर वैदिक यज्ञस इन सुल्वा सूत्र इन 1800 BC। इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। आर्यभट्ट हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14 इन हिज बुक आर्यभट्टियम। तो ये साल्प सूत्र है जिसमें यज्ञ पीठ को बनाना है, उसका जो मेजरमेंट, जो यज्ञ होता है उसका जो कुंड होता है उसको यज्ञ पीठ बोलते हैं, वो किस मेजरमेंट से बनाना है उसके बारे में इसमें इन्होंने लिखा है आपस्तंभ ने। और आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू दिया था, जो आप आज के डेट में भी यूज़ करते हो उनकी बुक आर्यभट्टम में, जिसकी राइटिंग कुछ इस तरह है, ये बुक का पेज है। ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड द पाई इज कॉन्स्टेंट टू शो द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ सर्कल। मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट क्यूब रूट एक्सेट्रा अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस बाय आर्यभट्ट इन हिज वर्क, हैंस आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब हमारे कंट्री में हमने डिस्कवर किया था, और ये सब आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। मोर ओवर ही हैड रिटन मैनी अदर बुक्स लाइक दस गीतिका एंड आर्यभट्टियम। ही हैड डिस्क्राइब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन शॉर्ट इन हिज बुक नेम्ड आर्य सिद्धांता। तो ये जो उनकी बुक है आर्य सिद्धांता, उसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा था। ही फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री। तो इन्होंने आर्यभट्ट ने इतना सारा मैथ्स डिस्कवर किया था। आर्यभट्ट हमारी कंट्री के थे, और आज हमारे ही स्टूडेंट मैथ्स में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, उनको मैथ्स का फियर होता है। दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज बीन डिस्कवर्ड बाई मैनी स्कॉलर्स इन देयर बुक्स, अमोंग देम द स्कॉलर्स लाइक बोधायन आपस्तंभ कात्यायन भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्त आर इंक्लूडेड। तो ये जो आर्यभट्ट ने जो थियोरी दी थी उसके रिलेटेड इन सब ने, ये सब मैथमेटिशियन थे हमारी कंट्री के, बुद्धायन आपस्तंभ कात्यायन भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त, और उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया था। अब मैथ्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे साइंस थे जो हमारी कंट्री में डेवलप्ड हुए थे। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जिसमें एक है प्रजनन शास्त्र, वो जो लिखा था उनका नाम था ब्राह्मव्य पांचाल। जो प्रजनन शास्त्र होते हैं उसमें बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में थियोरी होती है। चिकित्सा संग्रह, जिसमें कैसे कोई भी डिसीज़ का क्योर किया जाता है, ये लिखा था चक्रपाणि दत्त।
फिर आता है काम सूत्र, ये जो सेक्स रिलेटेड फिजिकल रिलेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये काम सूत्र बुक में आपको मिलेगी, जो लिखा था वात्स्यायन ने। वृक्ष आयुर्वेद यानी जो ट्रीज है वो कौन से ट्रीज है जिनके लीव्स या रूट्स को हम मेडिसिनल प्लांट्स के जैसा यूज़ कर सकते हैं, वो ये वृक्ष आयुर्वेद में लिखा है, जो लिखा था महामुनि पारासर ने। फिर योग शास्त्र, जो योग आज के डेट में इंडिया का योग पूरी वर्ल्ड करती है, वो लिखा था महामुनि पतंजलि ने। यंत्र सर्वस्व यानी जो भी मशीन्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस बुक में जो लिखी थी महर्षि भारद्वाज ने। और काल गणना मीन्स टाइम कैलकुलेशन ये बुक लिखी थी शक मुनि ने, जो बुक में टाइम के रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सब साइंस भी हमारी कंट्री में इन्वेंट हुए थे, डिस्कवर हुए थे, और ये हमें प्रूव करता है ये सब डिटेल्स कि इंडिया में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था आज से 3000-4000 साल पहले। अब हम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन उसमें भी ग्रेट है क्योंकि मैथमेटिशियन थे। एस्ट्रोनॉमी इज़ द मोस्ट एंशियंट साइंस, तो आज की डेट में हम कंप्यूटर या तो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ करके स्पेस की डिटेल्स कैलकुलेट करते हैं, गेन करते हैं, पर जब ये कुछ नहीं था तब हमारा मैथमेटिक्स इतना पावरफुल था कि उसके कैलकुलेशन से अर्थ और मून के बीच में क्या डिस्टेंस है, या तो अर्थ और सन के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितने प्लैनेट्स है, ये सब डिस्कवरी हमने 2-3 हज़ार साल पहले कर ली थी। अब नासा आज की डेट में वर्क कर रहा है, पर नासा जितनी भी डिस्कवरी कर रहा है वो हमारे जो रिलीजियस बुक्स है, जो हमारे ग्रंथ है, उसके अंदर हजारों साल पहले ही लिखा गया था। मैनी वर्क्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। An organized and deep study of astrology was made by Indian ancient universities. Planets and their movements, constellations and other celestial objects were used for calculations through which astrology and astronomy were developed remarkably. Predictions were made on the basis of planetary movement. तो ये सब prediction आज की date में जो होते हैं, जैसे cyclone है या तो heavy rain है या तो drought है, वो हम सैटेलाइट से डिस्कवर करते हैं। पर जब सैटेलाइट नहीं थे तब भी हमारी कंट्री में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें इस तरह से ये सब एंशियंट आर्ट है हमारा, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट थे वो टाइम पे ऐसे प्रिडिक्शन करने के लिए, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका नॉलेज दिया जाता था। आर्यभट्ट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज नेम्ड आर्यभट्ट ऑन हिज नेम। ये फर्स्ट हमारा इंडियन सैटेलाइट है जो आर्यभट्ट नाम से नाम इनको दिया गया था ये सैटेलाइट को। ही डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन हिज ओन एक्सिस एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजन फॉर लूनर एक्लिप्स इज द शैडो ऑफ द अर्थ विच वॉज एड्रेस्ड अजरबर बाय द स्कॉलर। In the same manner, Brahmagupta popularized the law of gravitation in his book Brahma Siddhant. तो ब्रह्म सिद्धांत बुक में जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने ऑलरेडी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमें बता दिया था। हम न्यूटन की बात करते हैं पर ये हमारी कंट्री में हजारों साल पहले डिस्कवर हो गया था, पर ये कहीं ना कहीं नॉलेज हम यूज़ नहीं कर पाए। वैसे ही एस्ट्रोनॉमी जो काफ़ी फेमस है हमारी कंट्री में भी, वरामीर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ये वरामीर है जो फ्यूचर बताते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शंस, तंत्र होरा एंड संहिता। हिज ग्रंथ नेम बृहद संहिता, ये बृहद संहिता का फोटो है, gives information regarding effects of planets on humans' future, his characteristics, various classes of animals, the time of marriage, ponds, wells, gardens and good omen for sowing. We should feel pride that our ancestors were expert in the various sciences. तो ये सब हमें बताता है कि हमारा जो साइंस था वो कितना एडवांस था
फोरकास्ट भी हम कर सकते थे, प्रिडिक्शन भी कर सकते थे, हम स्पेस के बारे में भी सब जानते थे। आज जो ज्योतिष की बात चलती है वो हमारी कंट्री में ही डिस्कवर हुआ था। चाइनीज़ ज्योतिष के लिए आज के डेट में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, पर जबकि हमारी कंट्री में ही इतना सब एडवांस था तो हमें कोई अदर कंट्रीज़ के पास से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उल्टा ये है कि हमारा ये साइंस, हमारा लिटरेचर पढ़ पढ़ के वर्ल्ड के बाकी सब कंट्रीज़ हमसे आगे निकल गए, और इसमें हमारी लेजीनेस है कि हम ये सब चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे। वास्तुशास्त्र की अगर बात करें तो आज के डेट में जो भी प्रॉपर्टीज़ बनती है उसमें वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है कि आपका ड्राइंग रूम कौन सी डायरेक्शन में है और आपका किचन कौन सी डायरेक्शन में है, और ये एक्चुअली में हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट करता है। तो ये वास्तुशास्त्र का स्टार्टिंग भी हमारी कंट्री में हुआ था। दैट इज़ एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। इट इज़ एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा, ये है नारद, ये है भृगु, ये है वशिष्ठ और ये है विश्वकर्मा। ये सब भगवान है, देव है, जो ये वास्तुशास्त्र की जो फील्ड है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग्स, टेम्पल्स, प्लेस पैलेस, अश्वशाला मीन्स जहाँ पे हॉर्स रखते हैं वो, फोर्ट्स, स्टोर हाउसेज ऑफ एम्यूनेशन एंड द टाउन प्लानिंग। तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसका, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, अगर हमारे घर में हम रहते हैं तो वहाँ मंदिर कहाँ रखना चाहिए, बेडरूम कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, इसकी सब डिटेल्स इन्होंने परफेक्ट दी थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज़ मेंशन इन बृहद संहिता। राणा कुंभा, ये है राणा कुंभा का पिक। राणा कुंभा ऑफ मेवा रिवाइव्ड दिस साइंस इन द 15th century। तो 15th century में राणा कुंभा ने ये जो भी वास्तुशास्त्र के रिलेटेड बुक्स थी उसको जो भी चेंजेस उसमें करने थे वो करके फिर से बनाया था। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ गॉड्स। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इंटू 8 सेक्शन। तो वास्तुशास्त्र के जो गॉड है वो विश्वकर्मा है, और उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया था। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, सेफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा आर मेंशन। और उन्होंने ये क्लियरली उनकी बुक में लिखा है कि घर में कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए। एज द टाइम पासिस बाय चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तुशास्त्र, नाउ इट इज़ बीइंग एडॉप्टेड बाय द फॉरेनर्स। तो ये जो हमारी कंट्री में ये सब डिस्कवर हुआ था वो आज की डेट में फॉरेन के जितने भी आर्किटेक्चर है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर इज़ वेरी वास्ट एंड हेट्रोजीनियस। तो हमारा जो कल्चर था वो बहुत बड़ा और उसके अंदर बहुत सारी वेराइटी थी, हेट्रोजीनियस यानी वेराइटी वाला। इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजियन, ट्रेडिशनल आइडल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी कंट्री में जो साइंस और रिलीजियन और ट्रेडिशनल आइडिया और प्रैक्टिकल नॉलेज का जो कॉम्बिनेशन था वो दुनिया की और कोई कंट्री में देखने को नहीं मिला है। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टूवर्ड्स ऑल रिलीजियंस इज सीन इन अवर कल्चर। इसलिए आज की डेट में हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री बोली जाती है, यानी सब रिलीजन यहाँ पे इक्वल है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज, वी सी यूनिटी इन अवर कंट्री। तो इतनी सारी रिलीजन डाइवर्सिटी है
लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस है, वैल्यूज़ में इतने सारे चेंजेस है, फिर भी हमारी कंट्री एक यूनिटी फॉर्म करती है जो वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियन कल्चर रिफ्लेक्स यूनिक फीचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो हमें ऑलवेज प्राउड होना चाहिए कि हम इस कंट्री में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे इतना एडवांस कल्चर था. ये चैप्टर में हमने देखा कि केमिस्ट्री में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन था, कितनी डिस्कवरीज हमने की थी. मेडिकल साइंस में अगर बात करें तो जब कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे वो टाइम पे हमारी कंट्री में प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन ऑपरेशन और अलग अलग ऑपरेशंस, किडनी की क्योर, ये सब होता था. मैथमेटिक्स में इतना हमने डिस्कवर किया है, एस्ट्रोनॉमी में हमने इतनी खोज की है, वास्तुशास्त्र जो आज के डेट में हर एक नए कंस्ट्रक्शन में कंपलसरी लोग प्रीफर करते हैं वो हमारी कंट्री में डिस्कवर हुआ है. तो जब इतनी सारी हमारी कंट्री में वैरायटी है तो फिर हम दूसरे कल्चर के साइड अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्या हमें भरोसा नहीं है हमारी कंट्री के ऊपर, क्या हमारे कल्चर के ऊपर, कि हमारे नॉलेज के ऊपर कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है. अगर देखने जाए तो हमारी कंट्री में मैक्सिमम साइंटिस्ट होने चाहिए. अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ हर 5,000 लोगों में से एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट निकल रहा है. और हमारी कंट्री में अगर हम देखने जाए तो ये कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है. आज के डेट में भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. तो इन सब का रीजंस क्या है? तो इनका रीज़न है हमारी ऑर्थोडॉक्स थॉट्स, जो हम एक लिमिटेशंस में है कि हमारा ग्रुप, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजियन, और इसके पीछे जो हम हमारा टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी जो वेस्ट कर रही, उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट पीछे हो जाता है. अदरवाइज़ एक आप सिंपली सोचिए कि जिस कंट्री में इतना इन्वेंशन हुआ हो, इतनी डिस्कवरीज हुई हो, वो कंट्री आज की डेट में कहाँ पे होना चाहिए? अमेरिका डिस्कवर हुआ 1520 में, अमेरिको वेस्पुसी ने उसका नाम दिया. आज चल रहा है 2020, तो हार्डली 600 ईयर्स पहले जो कंट्री डिस्कवर हुआ था वो कंट्री आज वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन्स है वो उनको ट्रस्ट है और उनका एक डिग्निटी है अपनी कंट्री के लिए, इसकी वजह से वो कंट्री इतना आगे है. और हम इस कंट्री में रहते फिर भी हम इंडिया के बारे में कितना सोचते हैं? हम जब भी बात करते हैं तो हम लूप्स निकालते हैं कि हमारी कंट्री में ये नहीं है, सिस्टम बराबर नहीं है, गवर्नमेंट बराबर नहीं है, करप्शन है, पॉपुलेशन है, पर इसके अलावा जो हमारे पास नॉलेज है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे इंडिया के लिए वर्क करना है. आप भी पढ़ाई करते हो, पर आप पढ़ने के टाइम पे कभी सोचते हो कि आपके कम मार्क आने से इंडिया को कितना लॉस होगा, या तो आप स्कॉलर बनोगे तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? तो मेरे ख्याल से ये कोई भी नहीं सोचता है, और उसकी वजह से इंडिया पीछे है. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं था, या तो हम 5,000 सालों से नॉमेडिक लाइफ स्पेंड कर रहे थे, ऐसा नहीं. हमारा आर्ट हमने देखा, हमारे आर्किटेक्चर के बारे में भी हमने पढ़ा, डांस के बारे में, या तो सिंगिंग के बारे में, या तो पेंटिंग के बारे में, या तो कोई भी आप चीज़ ले लो उसके बारे में अगर बात करोगे तो इंडिया के पास ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स है, क्योंकि हिस्ट्री में ये मेंशन है, इसके हमारे पास प्रूफ है. अदरवाइज़ आयरन पिलर दिल्ली का इतने सालों से रस्ट फ्री क्यों है? अगर हमारी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो ये हम बना ही नहीं सकते. बाकी आज के डेट में देखो, आप कोई भी ब्रिज देख लो, या तो कोई भी मेटल प्रोडक्ट देख लो, कभी भी गिर जाएगा, कभी भी रस्ट लग जाएगा, पर ये आयरन पिलर अभी भी खड़ा है, कोई रस्ट नहीं है उसके ऊपर. हमारा मैथमेटिक्स इतना एडवांस था, हमारा साइंस इतना एडवांस था, हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस था, तो फिर आज के डेट में हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? तो प्रॉब्लम जो है वो एक ही है कि हमें ट्रस्ट नहीं है, हमें भरोसा नहीं है. जिस दिन हम भरोसा करेंगे, जिस दिन हम समझेंगे कि हमारा इम्पोर्टेंस ये कंट्री के लिए कितना है और हम ये कंट्री के लिए कितना कर सकते हैं, तो उसके बाद कुछ ही सालों में इंडिया बिकम्स नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड.
because our ancestor was powerful. They were invent many things, and that knowledge running in our genes, that is in our blood. But what is the problem? That we forget everything. और ये कब तब हमें काम में आएगा जब हम उसके ऊपर भरोसा करें. तो ये चैप्टर में इतनी डिटेल्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा. चैप्टर छोटा है पर डिटेल्स काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है. इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज, प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. उसके लिए भी मैं वीडियोस में नए नए पिक्स आपके लिए रेडी करके रखूँगा. आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अब इस चैप्टर में मैंने ये एक एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ी है, ये आपको सॉल्व करनी है. अगर इसमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. आप जो भी यहाँ पे लाइक और शेयर में मैसेज छोड़ोगे वो मैसेज मुझे मिल जाएगा. अगर बहुत ही नेसेसरी होगा तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे सकता हूँ, और हम फोन पे या तो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं और आपकी क्वेरी में सॉल्व कर सकता हूँ. पर बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी है, लगभग 30 मार्क्स के आजू बाजू का है. तो ये सब चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं. तो ये आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है. बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है. ऐसे इस साल 10th में इकोनॉमिक्स पोर्शन को छोड़ के अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करोगे तो बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हो. और ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है उसके हिसाब से आप पिक्चर्स देखोगे तो आपको तुरंत ही वो आइडिया, वो कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखोगे. फ्यूचर में भी आप आपकी नई जनरेशन को इसके बारे में भी बता सकते हो कि आपको जब SS पढ़ते थे तो ये सब नॉलेज मिला था. तो ये वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड्स जो भी हो उसको भी आपको इन्फॉर्म करना है. तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच.